खर्चे में दब गया, दब गया ना दब गया, सब परिवार हो गया। और ये पता हुआ फसल बीमा होगी, कूड़े काटते हैं किसी को मिलता जाता मिलने, गरीब आदमी है जरूर काट है, इनके लिए भाई हमने हरियाणा में 3,82,700 रुपये प्लॉट किए, अगर इन्हें 5 साल में एक को दिया तो नाम काम करा बनाकर होता हूँ। हमने गरीब आदमी के लिए दाल रोटी की स्कीम लगाई ताकि दाल सस्ती मिले और जब दाल रोटी का गुजर हो उसमें भी घोटाला कर दिया हुआ स्कीम बंद कर दिया। तो शेड्यूल कास्ट है उनके बच्चों के लिए हरियाणा पहला प्रदेश था पहली जमात का वजीफा देना शुरू किया था, उसमें भी घोटाला कर दिया भी। पढ़ाया लेकिन इन लोग उसमें घोटाला कर दिया और वो उसमें भी गड़बड़ कर दी, बीपीएल कार्डा में गड़बड़ कर दी, इतने कार्ड दिए गरीब आदमी का कोई काम नहीं किया, सामना नहीं किया। कर्मचारी है वो सारे हर काम में काफी कर्मचारी है, कर्मचारियों से वायदा था पंजाब समान वेतन मान देंगे, हमने फैसला भी कर दिया था, वो फैसला उल्ट कर दिया और वेतन मान तो दूर पंजाब समान जो एचआरए में 6,000 करोड़ एचआरए बनता है एक मिश्र का वो भी नहीं दिया, ये कारण रोज कर्मचारी पर आठ निकाले करते मजबूला मुकदमे करना है। ये आज व्यापारी है ना शहर में व्यापारी है या गांव में है उनका कोई वो नहीं, उनका मैं हम तो मार्केट में उनकी हाड़े में बड़ा पता जाती हूँ कि मुझे जीएसटी मुझे नोटबंदी ये स्थिति हो रही है, कानून व्यवस्था सारी खराब हुई, तब बदमाश जो है कोई अपना रोज ताके मारे हैं लूटे हैं और खुद याद चले जाए कुछ नहीं होता। तो ये बात तो भाई आज देश में आया है ये समय आया है कि लूटे वादे की सरकार करे उसको मार अभी मारा दे देगा, मुख्यमंत्री भी आओगा कहेगा कि अब 75 पार करेंगे, 75 पार तो करेगा किसी भी करेगा 75 पार कर दिए प्याज कर दिए भी और भाई पूरे देख रही सरकार ये करें वो कहने में एक काम कभी कहीं भी कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ मैं छोड़ के गया था वही इस प्रदेश को नंबर वन मैं किसी पति व्यक्ति निवेश में नंबर जी पति व्यक्ति आय में विकास आज 9वें नंबर पर है और दो चीजों में नंबर एक हो गया आज हरियाणा, इस चीज में एक तो अपराध में दूसरा बेरोजगारी में, आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विस्तार बेरोजगारी का है तो हरियाणा में 28.7 जबकि हमारे टाइम 2012 में 2.8 था, 10 गुना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, तो क्या होगा हमारे नौजवानों को क्या नौकरी नौकरी लाना दूर नौकरी का क्या किया इसने 18,000 नौकरी की बात करें बाकी जो है पूर्व जो है लीची जैसे पटून की दुकान होती है, 10 मिनट हुए जेल गए ना कि कैश नकद पकड़े गए सारे पेपर लेकर आए, अब 18,000 में भर्ती कर दिए बगैर इंटरव्यू के कौन भर्ती करे भाई, जो हमारे बच्चे एमए इंजीनियर एमकॉम बड़े बड़े जो पढ़े लिखे वो के भर्ती करे भाई लास्ट के बनती लास्ट बनती है बड़ा खुदा मजाक किया मेरा भाई, देखो जो इसको जरूरत थी जो उसके काम पे जो कम पढ़े लिखे थे या गरीब आदमी थे जिनको जगह में नहीं चाहिए थे उनको तो लगाया नहीं, लगा दिए इंजीनियर लगा दिए हमने इनकम दोनों खुदा मजा दिया उनका वैसे वंचित हो गए वो तो लागत रह गए और इनने ज्वाइन नहीं करा, आज सफेद पत्र जारी करके देखो आते छोड़ रहे हैं गए नहीं, क्योंकि अगर कोई भी अगर इंजीनियरिंग करके उसे चपरासी लगना है तो किसका माँ बाप जो है क्रेडिट कार्ड के बच्चे को बढ़ावा इंजीनियरिंग करा ना क्रेडिट कार्ड का प्रावधान होता कर्जा लेके पढ़ाते बच्चे को बहुत बढ़ावा भाई
कितना बदला मिला के विकास किया, ये नौकरी का इशार दे, विकास का तो कोई नाम ही नहीं, इस प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। आज हमें आया बात कि छत्तीसगढ़ में एक लोग है, इसको इनको धकेलो, इनको भाग करो ताकि हमारे बिल्कुल